नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। इटली का यह वरोना शहर शाम के समय तो और भी ज्यादा सुंदर दिखता था, और इसी शहर के कालीशान अपार्टमेंट में यूएस आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल जेम्स एल डोजिये पिछले कुछ महीनों से अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं। जनरल डोजिये नेटो की दक्षिणी कमांड के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, और इसी के चलते उन्हें इटली में पोस्ट किया गया था। रोज की तरह आज की शाम भी वो अपनी पत्नी के साथ चाय पीते हुए इधर उधर की बातें कर रहे थे कि तभी उनके अपार्टमेंट की घंटी बजती है। जनरल डोजिये दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने कारीगरों की यूनिफॉर्म पहने दो हट्टे कट्टे दाढ़ी मूछ वाले युवक खड़े होते हैं। खुद को प्लम्बर बताते हुए ये दोनों कहते हैं कि बिल्डिंग में सीलन आ रही है और लीकेज ढूंढने के लिए उन्हें हर अपार्टमेंट को चेक करना पड़ रहा है। अपना दरवाजा खुला छोड़ इन दोनों को भीतर आने की अनुमति दे जनरल डोजिये जैसे ही अंदर की तरफ चलना शुरू करते हैं, पीछे से उनके सर पे एक जोर की चोट होती है। जनरल की आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगता है और देखते ही देखते वो बेहोश हो नीचे गिर पड़ते हैं। यूएस पेंटागन के इस वरिष्ठ फौजी अफसर का इटली में दिन दहाड़े अपहरण किया जा चुका था। अपहरण करने वाले दोनों युवक रेड ब्रिगेड्स नामक एक मार्क्सिस्ट आतंकी संगठन के सदस्य थे, एक संगठन जिसका उद्देश्य नेटो फोर्सेस को इटली छोड़ने पर मजबूर करना था, और अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो अब तक कई बड़े लोगों का अपहरण कर उन्हें ऊपर भेज चुके थे। जनरल डोजिये के अपहरण की यह खबर जैसे ही वॉशिंगटन पहुंचती है तो व्हाइट हाउस और पेंटागन समेत सीआईए और डीआईए में भी एक भीषण भूचाल आ जाता है। और यह भूचाल इसलिए नहीं आया था कि इतने वरिष्ठ अमेरिकी अफसर को दिन दहाड़े उसके घर से उठा लिया गया था, नहीं, यह भूचाल इसलिए आया था क्योंकि इस अपहरण की जानकारी दो दिन पहले ही डीआईए को मिल चुकी थी। इंटरपोल, एफबीआई और डीआईए के पास पहले से ही अपहरण की इंटेलिजेंस मौजूद थी, लेकिन फिर भी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया था। इन एजेंसीज ने कुछ नहीं किया था क्योंकि ये इंटेलिजेंस फील्ड में काम करने वाले किसी अंडरकवर जासूस या एसेट से नहीं, बल्कि एक ऐसे एजेंट से आई थी जो भविष्य देख सकता था। एजेंट जो यूएस आर्मी के इतिहास के सबसे गुप्त और सबसे अलौकिक रिसर्च प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। लेकिन इस प्रोजेक्ट की अविश्वसनीय सी लगने वाली अलौकिक शक्ति क्या समय रहते इस जनरल की जान बचा सकती थी? एक जनरल की जान बचाने के लिए समय के साथ हो रही इस रेस में आखिर किसकी जीत होने वाली थी? रेड ब्रिगेड्स के इन आतंकियों की या भविष्य देखने का दावा करने वाले डीआईए के उन एजेंट्स की? नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चले शीत युद्ध ने इंटेलिजेंस की दुनिया में कई नए आयामों और टेक्निक्स को जन्म दिया। इस दौरान अमेरिका में हजारों नए रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किए गए। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत ही सफल रहे और आज भी एक्टिव हैं, कुछ में ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई और उन्हें जल्दी बंद कर दिया गया। तो वहीं कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनके अस्तित्व के बारे में आज भी आम जनता को कोई खास जानकारी नहीं है। उस समय का ऐसा ही एक अत्यंत सीक्रेट प्रोग्राम था प्रोजेक्ट स्टारगेट, जिसकी शुरुआत 1978 में सीआईए और डीआईए द्वारा की गई थी। इस प्रोजेक्ट में दुनिया के इतिहास में पहली बार इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए साइकिक्स का सहारा लिया गया था।
साइकिक वो आदमी होता है जो भविष्य देखने की क्षमता रखता है या फिर कम से कम ऐसा दावा करता है। खुद को साइकिक कहने वाले ये लोग भविष्य देखने के साथ साथ दुनिया के किसी भी कोने में घट रही घटनाओं से जुड़ी जानकारी और क्लूज का पता भी लगा सकते हैं। 70 का दशक खत्म होते होते DIA ने ऐसी ही अलौकिक दृष्टि रखने वाले लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया था। एक स्थान पर बैठे बैठे भविष्य में झांकने वाले इस प्रोसेस को नाम दिया गया था रिमोट व्यूइंग, और ऐसा करने वाले इन साइकिक्स को रिमोट व्यूअर्स। दिसंबर 1981 में डेल ग्राफ नामक एक सिविल सर्वेंट DIA में अपनी नई नौकरी शुरू करते हैं। उन्होंने साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस के असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर एजेंसी को ज्वाइन किया था और उनका काम अपने बॉस जैक वरोना के साथ मिल प्रोजेक्ट स्टारगेट को विकसित करना था। प्रोजेक्ट स्टारगेट DIA का एक अत्यंत सीक्रेट प्रोग्राम जिसके तहत साइकिक क्षमता रखने वाले लोगों को रिक्रूट कर भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने का प्रयास किया जा रहा था। ये प्रोग्राम इतना ज्यादा सीक्रेट था कि राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैरल्ड ब्राउन के अलावा पूरी कैबिनेट में किसी को इसकी जरा सी भी भनक नहीं थी। इस प्रोग्राम के लिए देश भर से मुट्ठी भर साइकिक्स को भर्ती किया गया था जो दो लोकेशन से अपना काम कर रहे थे। एक लोकेशन थी उत्तरी कैलिफोर्निया में स्थित SRI इंटरनेशनल नामक इंस्टीट्यूट जो CIA और DIA के लिए साइंटिफिक रिसर्च का काम किया करता था। दूसरी लोकेशन मैरीलैंड में स्थित एक आर्मी बेस पर बनाई गई DIA की एक फैसिलिटी थी और इसका नाम था फोर्ट मीड। 1981 वो साल था जब केवल 6 महीने के अंतराल में दुनिया के 3 बड़े नेताओं के ऊपर हमले किए गए थे। वैश्विक नेताओं के ऊपर बढ़ते ये हमले ही कारण थे कि DIA ने स्टारगेट प्रोजेक्ट को और ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया था। 1981 में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिकों और एजेंट्स को एक नया डायरेक्टिव दिया जाता है। इस निर्देश के अनुसार इन सभी का उद्देश्य अमेरिकी नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों पर होने वाले भावी हमलों के ऊपर इंटेलिजेंस उपलब्ध कराना था। इसी डायरेक्टिव के चलते डेल ग्राफ भी SRI और फोर्ट मीड से ऑपरेट कर रही रिमोट व्यूअर्स की टीम्स को सुपरवाइज कर रहे थे। उनका काम इन रिमोट व्यूअर्स से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर ऐसे प्रोटोकॉल्स को विकसित करना था जो सिग्नल को नॉइस से अलग कर सकें, यानी कि शोर शराबे में से उपयोगी जानकारी निकाल सकें, और ऐसा करना ही डेल ग्राफ की सबसे बड़ी समस्या थी। DIA के रिमोट व्यूअर्स डेली बेसिस पर टनों के हिसाब से जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस जानकारी में सिग्नल बहुत ही कम और शोर बहुत ही ज्यादा हुआ करता था। उदाहरण के तौर पर एक ही व्यक्ति पर होने वाले हमले के लिए अलग अलग रिमोट व्यूअर्स बिल्कुल अलग अलग डिटेल्स दे रहे थे, जैसे कि अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग गाड़ियां और हमलावरों के बिल्कुल अलग अलग रंग रूप और वेशभूषाएं। ये जानकारी विशाल मात्रा में होने के साथ साथ अस्पष्ट भी हुआ करती थी, और ये वो समय था जब दुनिया में बिग डेटा और डेटा साइंस जैसे शब्द नहीं थे। इसीलिए ऐसी जानकारी को डिसाइफर कर एक्शन प्लान बनाना डेल ग्राफ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा था। SRI में स्टारगेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे DIA के एनालिस्ट हेल्पुटॉफ भी अपने रिमोट व्यूअर्स के साथ अमेरिकन्स पर होने वाले भावी हमलों को देखने का प्रयास कर रहे थे। उनकी टीम के सबसे अनुभवी रिमोट व्यूअर्स में से एक था गैरी लैंगफर्ड। लैंगफर्ड एक पूर्व नेवल ऑफिसर था और पिछले एक साल में वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर उनके घटने से पहले इंटेलिजेंस उपलब्ध करा चुका था। 12 दिसंबर 1981 के दिन पुटहॉफ लैंगफर्ड को भविष्य में होने वाली अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का पता लगाने को कहते हैं, लेकिन पूरे 3 दिन तक इस सवाल पर काम करने के बाद भी गैरी लैंगफर्ड को कोई खास इंप्रेशंस नहीं दिख पाते। पंद्रह दिसंबर की सुबह भी गैरी लैंगफर्ड इसी सवाल के ऊपर ध्यान लगा कुछ देखने का प्रयास कर रहा था और हेल्पुटॉफ उसके पास बैठे हुए थे। ध्यान लगाए लैंगफर्ड को भी 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि वो अचानक बुरी तरह घबराने लगता है और अपनी आंखें खोल हांफते हुए पुटॉफ से कहता है। 17 दिसंबर 1981 की शाम को पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी का कुछ आतंकियों द्वारा अपहरण किया जाएगा। प्रोजेक्ट स्टारगेट में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी रिमोट व्यूअर ने इतना सटीक समय और तारीख बताए हों। यही कारण था कि इस इंप्रेशन को और ज्यादा कुरेदने के लिए हेल्पुटॉफ लैंगफर्ड के साथ और सेशंस करने में लग जाते हैं। इन सेशंस में लैंगफर्ड को और भी कई महत्वपूर्ण क्लूज दिखाई पड़ते हैं, ऐसे क्लूज जिन्हें सुन पुटॉफ अचंभे और खुशी के मारे बेहोश से हो जाते हैं।
गैरी लैंगफोर्ड बताता है कि अपहरण करने वाले आतंकी दक्षिणी यूरोप के हैं। वो पेंटागन के अधिकारी को उसके घर से उठा रहे हैं, जो एक अपार्टमेंट टाइप घर लग रहा है। अधिकारी के हाथ और मुंह दोनों बांध दिए गए हैं और उसको एक बड़े से संदूक में बंद करके नीले रंग की एक वैन में ले जाया जा रहा है। अचंभे से सदमे में आ चुके पुटॉफ ये सारी जानकारी तुरंत अपने बॉस डेल ग्राफ को पास कर देते हैं और वो अपने बॉस जैक वरोना को। जैक वरोना भी बिना कोई देर किए ये इंटेलिजेंस एफबीआई के साथ शेयर कर देते हैं और अगली सुबह होते होते इंटरपोल दुनिया भर में पोस्टेड अमेरिकी फेडरल ऑफिसर्स के लिए एक अलर्ट जारी कर चुकी होती है। वैसे तो एफबीआई ने विदेशों में रह रहे अमेरिकी ऑफिसर्स के लिए अलर्ट जारी करवा दिया था, लेकिन ये बिल्कुल ही सामान्य सा एक्शन था। इस इंटेलिजेंस को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था जितनी गंभीरता से दूसरे सोर्सेस से आने वाली बिल्कुल ऐसी ही इंटेलिजेंस को लिया जाता था। इसके ऊपर से पेंटागन और खुद डीआईए के अंदर भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं थी जो रिमोट व्यूइंग की इस तकनीक को फ्रॉड मानते थे, इसका मजाक उड़ाते थे। शायद यही सब कुछ कारण थे कि पेंटागन ने इस इंटेलिजेंस के ऊपर वैसा एक्शन नहीं लिया था जैसा कि लिया जा सकता था या फिर लिया जाना चाहिए था। सत्रह दिसंबर को शाम 5 बजे प्लम्बर के भेस में दो आतंकी जनरल जेम्स डोजिए के अपार्टमेंट में घुसते हैं और पीछे से वार कर जनरल और उनकी पत्नी दोनों पर काबू पा लेते हैं। जनरल के हाथों पैरों और मुंह को टेप से बांधने के बाद ये दोनों अपने वॉकी टॉकी पर एक संदेश भेजते हैं और लगभग 5 मिनट बाद दो और युवक एक बड़े से संदूक और ट्रॉली के साथ अपार्टमेंट पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद बंदूक के जोर पर जनरल डोजिए को संदूक के अंदर डाल ये चारों आतंकी सर्विस एलिवेटर से नीचे उतरते हैं और गली के दूसरी तरफ इंतजार कर रही नीले रंग की एक फिएट वैन में संदूक समेत गायब हो जाते हैं। उधर 5 घंटे के अंदर अंदर ये खबर वॉशिंगटन पहुंच चुकी होती है और आखिरकार पेंटागन भी फुल एक्शन मोड में आ ही जाता है। एफबीआई जनरल डोजिए तक पहुंचाने वाली किसी भी जानकारी के लिए $2 मिलियन का इनाम घोषित कर देती है और जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड यानी कि जेसॉक की एक टीम तुरंत इटली के लिए रवाना हो जाती है। जनरल डोजिए के अपहरण के 5 दिन बाद अरबी भाषा बोलने वाला एक व्यक्ति इटली की सबसे बड़ी न्यूज वायर सर्विस अंसा को फोन करके कहता है, जनरल जेम्स ली डोजिए को रेड ब्रिगेड्स की अदालत में दोषी पाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी। जनरल डोजिए अब इस दुनिया में नहीं है और रेड ब्रिगेड्स इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। उधर जनरल डोजिए के अपहरण की खबर मिलने के बाद से ही फोर्ट मीड में डेल ग्राफ खुद अपने वरिष्ठ रिमोट व्यूअर्स के साथ इस केस पर काम करने में जुटे हुए थे। उनके 3 रिमोट व्यूअर्स जो मैकमोनियगल, हार्टली ट्रेंट और कैनबेल अपनी साइकिक क्षमताओं का प्रयोग कर ये पता लगाने का प्रयास कर रहे थे कि जनरल डोजिए जीवित हैं या नहीं। यदि हैं तो फिर उनको कहाँ रखा गया है, वो किस हाल में हैं और उनके साथ कितने लोग हैं। डेल ग्राफ के इन 3 रिमोट व्यूअर्स को इन सवालों से जुड़े जो इंप्रेशंस दिखाई पड़ रहे थे उनके अनुसार जनरल डोजिए एक ही स्थान पर स्थिर अवस्था में थे लेकिन अभी भी जीवित थे। बिना कोई समय गंवाए डेल ग्राफ प्रोजेक्ट स्टार गेट में डिप्लॉयड सभी रिमोट व्यूअर्स को जनरल डोजिए की लोकेशन पर काम करने का आदेश दे देते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नाना प्रकार की बिल्कुल अलग अलग इन्फॉर्मेशन की बाढ़ सी आ जाती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें नॉइस से सिग्नल को अलग करना यानी कि शोर शराबे में से काम की उपयोगी एक्शनेबल इंटेलिजेंस को निकालना असंभव था। जनरल डोजिए के अपहरण को 2 हफ्ते का समय हो चला था और अभी तक अमेरिकन एजेंसीज उनको छुड़ाने के जरा सा भी करीब नहीं पहुंच पाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक केस एक जगह पर ठहर चुका है। उधर पूरा वॉशिंगटन राज्य भी एक जगह पर ठहरा हुआ था। अत्यंत शक्तिशाली बर्फीले तूफान ने पूरे राज्य में 21 इंच मोटी बर्फ की चादर बिछा दी थी, इसीलिए पुलिस और सिक्योरिटी को छोड़ बाकी सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने घरों पर ही रहने के आदेश दिए गए थे। डेल ग्राफ भी उन्हीं कर्मचारियों में से एक थे जिन्हें घर पर रहने के आदेश दिए गए थे, लेकिन ऐसे में घर के अंदर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना ग्राफ के बस की बात नहीं थी। उनके दिमाग में तो बस जनरल डोजिए ही घूम रहे थे। घर की दीवारें उन्हें काटने को दौड़ रही थी और बहुत सोच विचार करने के बाद वो 2 जनवरी की सुबह अपने घर से बाहर निकल जाते हैं।
ट्रेन, टैक्सी और बस सब कुछ बंद थे, इसीलिए ग्राफ पैदल ही अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं जो उनके घर से 6.5 किलोमीटर दूर था। सिक्योरिटी गार्ड को आईडी कार्ड दिखाने के बाद जैसे ही ग्राफ अपने ऑफिस में घुसते हैं तो उनके कानों में फोन की घंटी सुनाई पड़ती है। वो इधर उधर देखते हैं तो ये आवाज उनके बॉस जैक वरोना के केबिन से आ रही थी। वो दौड़कर फोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ से ये आवाज आती है, हम पेंटागन से बात कर रहे हैं, हमें किसी ऐसे आदमी से बात करनी है जो रिमोट व्यूइंग के बारे में सब कुछ जानता हो। ये सुन डेल ग्राफ कहते हैं कि उनके बॉस जैक वरोना तो इस समय ऑफिस में नहीं है लेकिन वो भी इस बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अर्जेंट मैटर है, तुम्हें तुरंत पेंटागन पहुंचना होगा। ये कहते ही वो आदमी फोन काट देता है। डेल ग्राफ तुरंत अपने बॉस के घर पे फोन करते हैं और उन्हें पेंटागन जाने की अनुमति दे दी जाती है। पेंटागन पहुंचते ही डेल ग्राफ को एक क्लासिफाइड ब्रीफिंग रूम में ले जाया जाता है जहां यूएस आर्मी की टॉप ब्रास के साथ साथ डेल्टा फोर्स भी मौजूद थी, एक फोर्स जिसके पास दुनिया में कहीं भी जाकर ऑपरेट करने की अनुमति होती है। इस मीटिंग में डेल ग्राफ से रिमोट विंग के ऊपर कई सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि यह तकनीक कैसे काम करती है, क्या इसके पीछे कोई साइंस है, यदि हाँ तो वो साइंस क्या है। अगले कई घंटों तक डेल ग्राफ इन सभी सवालों का संतोषजनक उत्तर देने का पूरा प्रयास करते हैं जिसके बाद उन्हें कमरे से बाहर भेज दिया जाता है। इस कमरे में मौजूद कई लोग अभी भी इस तकनीक से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, उनके लिए भविष्य देख इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की यह तकनीक एक फ्रॉड थी और फ्रॉड से ज्यादा कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद डेल ग्राफ को वापस कमरे में बुलाया जाता है और पेंटागन का एक जनरल उनसे पूछता है, मिस्टर ग्राफ, क्या आपके पास पासपोर्ट है, आपको अभी के अभी इटली जाना होगा। ये सुनकर चौंक चुके ग्राफ जब कहते हैं कि उनके पास तो पासपोर्ट नहीं है तो वो जनरल मुस्कुराने लगता है, अपनी सीट से खड़ा होता है, ग्राफ के पास आता है और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, कोई बात नहीं मिस्टर ग्राफ, अगले आधे घंटे में तुम्हारा नया पासपोर्ट तुम्हारे हाथों में होगा, तुम्हें एक ट्रांसलेटर भी दिया जाएगा, तुम तो बस इटली जाने की तैयारी करो। अगले दिन शाम 6 बजे डेल ग्राफ यूएस आर्मी के एक ट्रांसलेटर के साथ वॉशिंगटन नेशनल से इटली की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। इटली में लैंड करते ही उन्हें स्टटगार्ड में स्थित यूएस आर्मी के एक बेस पर ले जाया जाता है जहां जनरल डोजिये केस पर काम कर रही टास्क फोर्स का कमांडर मौजूद था। इस कमांडर के कमरे में प्रवेश करने के बाद जैसे ही ग्राफ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं वो कहता है, वापस लौट जाओ, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बुरी तरह चौंक चुके डेल ग्राफ इस कमांडर को समझाने के लिए अभी बोलना शुरू ही करते हैं कि वो उनको रोकते हुए कहता है, मिस्टर ग्राफ, मुझे आपकी इस तकनीक पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, मेरे हिसाब से आप और आपकी ये तकनीक दोनों ही फ्रॉड हैं। यहाँ यूएस आर्मी के एक जनरल की जिंदगी का सवाल है, किसी रिटायर्ड सीनियर सिटीजन को चूना लगाने का नहीं, इसलिए आप वापस जा सकते हैं। अपमान का एक घूंट चुपचाप पीने के बाद डेल ग्राफ इस कमांडर से कहते हैं कि उनका काम चाहे कुछ भी हो लेकिन फ्रॉड तो बिल्कुल नहीं है, और वैसे ये उनकी ही तकनीक थी जिसने एडवांस में ही इस अपहरण का पता लगा लिया था। ग्राफ इस कमांडर को बताते हैं कि कैसे रिमोट व्यूइंग की टेक्निक को एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन रिसर्च, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉडलिंग और क्वांटम फिजिक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स भी सपोर्ट करते हैं। कमांडर, मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम आइंस्टाइन को तो फ्रॉड नहीं मानते होंगे, अपनी विश्वास भरी आवाज में थोड़ा सा कटाक्ष लिए ग्राफ कहते हैं, आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन आइंस्टाइन ने क्वांटम एंटेंगलमेंट के संबंध में कहा था कि खुद से बहुत दूर होने वाले डरावने एक्शंस का पता लगाया जा सकता है। डेल ग्राफ अपनी तकनीक के समर्थन में एक के बाद एक साइंटिफिक उदाहरण दिए जा रहे थे कि तभी अचानक वो कमांडर अपनी सीट से खड़ा होता है और ग्राफ की तरफ चुप होने का इशारा करते हुए कहता है, मिस्टर ग्राफ, विंसेंसा जाने की तैयारी करो, डोजिये टीम वहीं से काम कर रही है, यू आर नाउ अ मेंबर ऑफ डेल्टा फोर्स। अपने काम के प्रति विश्वास और दृढ़ निश्चय से डेल ग्राफ ने टास्क फोर्स के कमांडर को कन्विंस कर लिया था और अब वो अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित डेल्टा फोर्स का एक मेंबर बन चुके थे। ग्राफ और उनके ट्रांसलेटर को तुरंत विंसेंजा ले जाया जाता है जहां मिलिट्री इंटेलिजेंस डिटैचमेंट और जेसॉक साथ मिलकर जनरल डोजिये को ढूंढने के प्रयासों में लगे हुए थे। डेल ग्राफ को इस फैसिलिटी में बैठने के लिए कैबिन और कुछ फोन लाइंस दे दी जाती हैं और वो बिना कोई समय गवाए फोर्ट मीड में मौजूद अपने रिमोट व्यूअर जो मैकमोनियगल के साथ सेशंस करने में लग जाते हैं।
फोर्ट मीड के रूम नंबर 2654 में मैकमोनियागल अपना ध्यान एकाग्रित कर जनरल डोजिए की लोकेशन पता लगाने का प्रयास कर रहा था। उसको बार बार एक बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इस बिल्डिंग की लोकेशन के ऊपर वो कोई साफ इंप्रेशन नहीं देख पा रहा था। बाकी के रिमोट व्यूअर्स को भी जनरल डोजिए के ऊपर कोई साफ इंप्रेशंस नहीं दिख रहे थे, और इसके ऊपर इटली और अमेरिका के बीच का टाइम डिफरेंस भी ग्राफ और उनकी टीम के बीच के कम्युनिकेशन को बाधित कर रहा था। जनरल डोजिए के अपहरण को एक महीना हो चला था और अभी तक डेल ग्राफ के रिमोट व्यूअर्स किसी भी प्रकार की उपयोगी जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाए थे। आमतौर पर शांत रहने वाले डेल ग्राफ के ऊपर ये तनावपूर्ण सिचुएशन आखिर अपना टोल लेने ही लगती है। टेंशन के चलते उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है और जीवन में पहली बार उनके साथ वो होने लगता है जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। उन्हें रात को नींद में बहुत ही डरावने सपने आने लगते हैं। हर रात इटली में अपने अपार्टमेंट लौटने के बाद थके हारे डेल ग्राफ की जैसे ही आंख लगती उनको ये डरावने सपने दिखाई देने लगते। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इन सपनों में दिखने वाले भयावह दृश्यों के बीच जनरल डोजिए के इंप्रेशंस भी फ्लैश हो रहे थे। ऐसी एक रात डेल ग्राफ अपने अपार्टमेंट वापस लौट टीवी ऑन करते हैं और खाना खाने के बाद सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाते हैं। इस रात अपने सपने में ग्राफ को एक ग्रोसरी स्टोर यानी के किराने की दुकान दिखाई पड़ती है। इस स्टोर के अंदर सीढ़ियां भी थी जो पहली मंजिल पर बने एक कमरे की तरफ जा रही थी। ग्राफ को इस ग्रोसरी स्टोर के बाहर लगा एक बोर्ड भी दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि वो इस बोर्ड को ठीक से पढ़ पाते उनका अलार्म बजने लगता है। सुबह के 6 बज चुके थे। ग्राफ फटाफट अपना नोटपैड उठा, सपने में दिखाई दी सारी डिटेल्स लिखना शुरू कर देते हैं। सपने में उन्हें वो जो बोर्ड दिखाई दिया था उसके ऊपर एक शब्द लिखा हुआ था और ये शब्द अभी भी ग्राफ को याद था। ये शब्द था पडुआ, लेकिन ग्राफ इस शब्द का मतलब नहीं जानते थे। आज से पहले उन्होंने ये शब्द सुना तक नहीं था और ना ही कहीं पे पढ़ा हुआ था। डेल ग्राफ बिना नहाए धोए खाली पेट ही डेल्टा फोर्स की फैसिलिटी के लिए निकल पड़ते हैं, जहां वो सबसे पहले अपने ट्रांसलेटर से पडुआ शब्द का मतलब पूछते हैं। और जब ये ट्रांसलेटर इस शब्द का मतलब बताता है तो ग्राफ खुशी के मारे नाचना शुरू कर देते हैं। पडुआ उत्तरी इटली में स्थित एक शहर का नाम था और ये शहर डेल्टा फोर्स की इस लोकेशन से केवल 42 किलोमीटर दूर था। डेल ग्राफ तुरंत ये सारी जानकारी विंसेंजा में अपने सुपीरियर को दे देते हैं और डेल्टा फोर्स की एक टीम इटालियन पुलिस के साथ मिल पडुआ में उस ग्रोसरी स्टोर के ऊपर रेड मार देती है। ये ग्रोसरी स्टोर बिल्कुल ग्राफ के सपने जैसा था और इसके ऊपर एक कमरा भी बना हुआ था। इस कमरे में डेल्टा फोर्स को जनरल डोजिए तो नहीं मिलते, लेकिन रेड ब्रिगेड्स का एक हाई रैंकिंग सदस्य उनके हाथ जरूर चढ़ जाता है। एक ही रात की पूछताछ में आतंकी तोते की तरह सब कुछ बता डालता है। ये उन लोगों में से ही एक था जो 17 दिसंबर 1981 की उस शाम जनरल डोजिए के अपहरण में शामिल थे। ये उस वैन का ड्राइवर था जिसमें जनरल को ले जाया गया था। इस युवक से मिली जानकारी के आधार पर डेल्टा फोर्स और इटली के COSN की 10 कमांडोज वाली एक जॉइंट टीम पडुआ में एक अपार्टमेंट को घेर लेती है। विस्फोटक का इस्तेमाल कर इस अपार्टमेंट के दरवाजे को उड़ा दिया जाता है और जैसे ही धुएं को चीरते कमांडोज अंदर घुसते हैं तो उनकी नजर सबसे पहले कुर्सी पर बैठे जनरल जेम्स डोजिए पर पड़ती है। लेकिन जनरल डोजिए अकेले नहीं थे, उनके साथ रेड ब्रिगेड्स का एक अत्यंत खूंखार आतंकी एंटोनियो सावस्ता भी खड़ा हुआ था और उसने जनरल के सर पर अपनी पिस्तौल तानी हुई थी। इससे पहले कि बुरी तरह घबरा चुका सावस्ता अपनी पिस्तौल का ट्रिगर दबा पाता, उसके पीछे से खिड़की तोड़ते हुए कमांडो कमरे के अंदर दाखिल होता है और अपनी राइफल के बट से प्रहार कर सावस्ता को बेहोश कर देता है। जनरल डोजिए को ढूंढने के लिए चला ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे 42 दिन बाद खत्म हो चुका था। लगभग 1.5 महीने नरक में बिताने के बाद US आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल जेम्स ली डोजिए आज जीवित थे, पूरी तरह स्वतंत्र थे। मेडिकल चेकअप के बाद जनरल डोजिए को वॉशिंगटन आने के लिए एक विशेष फ्लाइट में बिठा दिया जाता है। पूरे रास्ते जनरल डोजिए यही सोचते रहते हैं कि वो लैंड करते ही सबसे पहले अपनी पत्नी जूडी से मिलेंगे, उनको कस के गले लगाएंगे, और शायद उनकी पत्नी भी यही सोच रही थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
वॉशिंगटन में लैंड करते ही जनरल डोजिए को एक बड़े से विशालकाय हेलीकॉप्टर में बिठा दिया जाता है। यह हेलीकॉप्टर जनरल डोजिए को लेकर सीधा व्हाइट हाउस पहुंचता है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन उनसे मिलने का इंतजार कर रहे थे। जनरल डोजिए के सकुशल घर लौटने के बाद डेलग्राफ भी वॉशिंगटन वापस आ जाते हैं और दोबारा स्टारगेट के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। इसके लगभग 3 हफ्ते बाद फोर्ट मीड में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जिसमें जनरल जेम्स डोजिए को भी बुलाया गया था। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद डेलग्राफ कुछ लोगों के बीच घिरे जनरल डोजिए के पास जाते हैं और खुद का परिचय देते हुए कहते हैं, जनरल मेरा नाम डेलग्राफ है। वैसे तो मैं यहाँ पर रिमोट विंग प्रोग्राम का सेकंड इन कमांड हूँ, लेकिन आपके कुछ लोग मुझे एक फ्रॉड भी कहते हैं।